नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। मैं हूं राहुल, ये है मेरी वाइफ शिवानी, ये है मेरे बाबू। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि टॉपिक हमारे खाने पीने से रिलेटेड है। दोस्तों आजकल की ऐसी हमारी जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, जिसमें ना छोटों को टाइम है, ना बड़ों को, ना किसी को टाइम नहीं, सब कोई अपनी लाइफ में बिजी है। बिजी को देखते हुए लोगों ने नया ट्रेंड शुरू कर दिया फास्ट फूड का। जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी मैगी बनाओ, जल्दी जल्दी चाउमीन बनाओ, जल्दी जल्दी मोमो खा लो, ये खा लो। जल्दी के चक्कर में आदमी अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। ये वो भी नहीं जानते कि वो अपनी सेहत से कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जिस खाने पीने का मैं बात तो कर ही रहा हूँ दोस्तों, इससे जो जो इसमें जो हम लोग को नुकसान दे रही चीज़, उसके बारे में मैं आज आपसे ज़रूर बात करूँगा। दोस्तों दोस्तों जो हम फास्ट फूड खा रहे हैं उसमें एक तरह का जहर डाला जा रहा है, वो शायद आपको मालूम नहीं होगा, वो है ओजिनोमोटो। ओजिनोमोटो जो कि सफ़ेद सफ़ेद होता है, हाँ ओजिनोमोटो जो कि सफ़ेद सफ़ेद, आपने जब भी आप चाउमीन टिक्की बर्गर मंचूरियन खाने गए होंगे तो आपने देखा होगा, जो सफ़ेद 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 जो होता है पार्टिकल जैसे सफ़ेद सफ़ेद ना चावल की दाने जैसा होता है, वो सोडियम कंटेंट उसमें दोस्तों इतना ज़्यादा होता है कि वो खून में सोडियम नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा कर देता है, जिससे बीपी हाई, मोटापे की समस्या, तरह तरह की समस्या, जिससे दिल का दौरा भी पड़ सकता है लोगों को। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी इसमें समस्या ये होती है कि इंसान तो पहले बहुत ही ज़्यादा चाव से खाता है और उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो बाद में इसका दुष्परिणाम होता है वो इस चीज़ से बिल्कुल अनजान होता है। पहले तो आप ये बात लिख के रख लीजिए, हर चाउमीन वाला, हर मोमो वाला, हर मंचूरियन वाला, हर दुकान पे अब तो इसका सब्जियों में भी इस्तेमाल हो रहा है। ये शाही पनीर, मटर पनीर में ग्रेवी का स्वाद बढ़ाने के लिए फ्लेवर एनहेंसर का काम करता है, एज अ फ्लेवर एनहेंसर। और दोस्तों ये जो क्या बोलो ओजिनोमोटो है, ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसे फ्लेवर एनहेंसर भी कहा जाता है, स्वाद को बढ़ाने वाला, और केवल अच्छे के लिए उसमें जहर डालने का जहर है। जहर, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, जहर मत खाइए, आप लोग की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, अंधे हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। इसीलिए थोड़ी अभी भी क्यों छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगे, क्यों दिखाई नहीं दे रहा, क्यों चाउमीन टिक्की मोमो रोज खा रहे हैं, गोलगप्पे में भी डालते हैं, गोलगप्पा खट्टा क्यों वो ये उसको डालते हैं। दोस्तों ये इतना ज़्यादा घातक है कि आपके बच्चों को अंधा तक कर सकता है। इसीलिए अपने बच्चों को जो भी खिलाना है, बनाना है, चाउमीन मोमो टिकिया जो भी आपको खाना है, घर पे बनाएं, खिलाएं, गोलगप्पे हर चीज़ घर पे ही बनाओ, बाहर का बिल्कुल मत खाओ। बहुत ज़्यादा घटिया आइटम मिलाए जा रहे हैं, मैं इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध करता हूँ दोस्तों। और आप एक गली मोहल्ले के ठेले से लेके आप किसी भी फाइव स्टार रेस्टोरेंट में चले जाएँ, सब जगह आपको यही देखने को मिलेगा। इसीलिए जो अगर आप अपनी बच्चों की भलाई चाहते हैं, बच्चों की ज़िंदगी चाहते हैं, तो बाहर के फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, बाहर के फास्ट फूड को, बाहर का मोमो मत खाइए। आप तो कहना चाहती है, बोलो। हाँ, बाहर मत, घर पे बना लो चाउमीन। आप बनाती हो चाउमीन, कितना अच्छा बनाती है, बिल्कुल कोई ओजिनोमोटो नहीं डालती है, कुछ नहीं डालती है, इतना अच्छा चाउमीन बनाती है कि पूछिए मत। और एकदम खाने पर जलन नहीं होता, आराम, बिल्कुल शरीर में एकदम हल्का रहता है शरीर। दोस्तों बहुत ही बढ़िया लगता है, आप एक बार खा के तो देखिए, आपको जो है गलत खाने की आदत पड़ गई है तो आपको गलती अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बार अच्छी चीज़ का स्वाद चखिए तो आपको अच्छा ही लगेगा। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि बाहर का फास्ट फूड अवॉइड कीजिए। एक तो उनका तेल कितना गंदा होता है, काला तेल होता है, तेल एक ही तेल में 100 बार चीज़ों को छानते हैं और उसको रख देते हैं, अगले दिन उसको फिर बासी करते हैं, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर पांचवें दिन रोज़ खाने को बासी करते हैं। सोचिए एक जो प्रेग्नेंट वूमेन है, बच्चे वाली माँ है, ये खाएगी तो इसको कैसा, इसको दूध लाएगी तो कैसा अफेक्ट होगा बताइए। इसको तो मैं बिल्कुल भी बाहर का नहीं खिलाता हूँ, और खाते भी है तो बहुत ही चुनिंदा जगहों से जहाँ हमें पता अपने सामने वो सब पढ़वाते हैं कि हाँ भाई गलत चीज़ नहीं डाल रहे, तभी हम पहले मना कर देते हैं कि देखो ये सब नहीं डालना है आपको, सादे सर हमें बना के खिलाओ और हमें दो। सबसे अच्छा इसका सॉल्यूशन ये है दोस्तों, मंचूरी में एक दो बार खाली तो बात अलग है, लेकिन आप कह दीजिए कि हमें नहीं डालनी, इन सब चीज़ को अवॉइड कीजिए, जानिए समझिए। ये देखिए मैं आपको ये इसका फोटो दिखा रहा हूँ, और फोटो दिखा रहा हूँ, आप देखिए ये मार्केट में इस नाम से सोडियम इस नाम से बिकता है, और इसका जो इस नाम से बिकता है ऐसी इसकी पैकिंग है, मैं आपको ये फोटो में दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए पैकिंग को, और आप इस जहर को कभी ना खरीदें। अगर कोई मार्केट में ये डाल रहा है तो बिल्कुल भी इसका ना खाएं सामान, ये बिल्कुल जहर है, इसको पॉइजन है, बिल्कुल खतरनाक है। दोस्तों इस वीडियो में मेरे को आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन देनी थी,
बिल्कुल सही बात है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूँ। बिल्कुल सही बात कहा इसने, मेरी वाइफ ने, कि घर से बनाइए। जो बच्चे माँ को दूध पिलाती हैं वो भी अगर खा रही तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। बच्चों के अगर बच्चे गर्भ के बच्चे हैं तो उनको पेट में नुकसान करेगा, बच्चे अंधे हो सकते हैं, बच्चों का ब्रीदिंग स्पीकिंग लॉस हो सकता है, तरह तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, बीमारी हो सकती है, मतलब बहुत सारी दिक्कत है। प्रेगनेंट वुमेन, छोटे बच्चों को, बूढ़े लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल जानलेवा हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो बहुत बहुत हाथ जोड़ की विनती है, इसको अवॉइड करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।